मम्मी जायका में आप सबका स्वागत है। आज हम आलू बड़े बना रहे हैं, जिसको बटाका बड़े भी कहते हैं। इसके लिए मैंने ये 6 आलू लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया हैगा। अब हम इसको मैश करेंगे, इसको एकदम ठंडे होने दें, फिर इसको मैश करें। ये एकदम से मैश हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमारा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 टीस्पून जितनी राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स। इसको बराबर से तड़कने देंगे, राई को तड़कना बहुत जरूरी है तो इसमें से फ्लेवर निकलेगा। राई हमारी तड़क चुकी है, अब हींग डालेंगे 2 चुटकी। अब इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे, ये आधा हरी मिर्च है जिसको हमने बारी बारी चॉप कर लिया है। अब हमें साके मुका भी डालें, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून नमक है, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। पांच सेकंड के लिए भूनेंगे। अब आलू डालेंगे इसमें, हाफ नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और बराबर से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा आलू बड़े का मसाला ठंडा होता है जितने हम बेसन की तैयारी कर लेते हैं। 1 कटोरी बेसन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून जितना चावल का आटा डालेंगे। ये 2-3 चुटकी हल्दी है, ये टीस्पून नमक डालेंगे क्योंकि हमने आलू बड़े के मसाले में भी नमक डाला है। और ये 3 चुटकी जितना मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये भी डालेंगे। इसको हम बराबर से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बेसन का घोल थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, इसको बहुत पतला नहीं रखेंगे और नहीं बहुत ज्यादा गाढ़ा रखेंगे, मीडियम थिकनेस होगी इसकी। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। ये देखिए, ये 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन है, इसको हम ऐसे क्रश करके डालेंगे। आलू वैसे भी बादी करते हींगे और चने का आटा भी, यानी बेसन भी बादी ही करता हैगा, इसके लिए इसमें हमने अजवाइन डाली है ताकि ये हमें नुकसान नहीं करे, गैस नहीं करे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे आलू बड़े का मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसके गोल गोल बॉल बनाएंगे, आप छोटे बड़े अपने स्टाइल से बना सकते हैं। ये देखिए बैटर हमारा सेट हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मीडियम फ्लेम पे कर देंगे गैस को, हाई फ्लेम पर ना करें। और इसको ऐसे कोट करेंगे, आप चाहे तो चम्मच से भी इसको डाल सकते हैं। मीडियम से स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये
ये देखिए फ्राई हो चुके हैं और हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे भजिए तल लेंगे आलू बड़े। ये देखिए हमने हमारे सारे आलू बड़े तल लिए हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे घर पर ट्राई जरूर कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।